हेलो फ्रेंड्स, आई एम जीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सोलर पावर्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक सोलर पावर टावर की एक्चुअल फोटो है और ये जो सेकंड पिक है ये सोलर पावर टावर की स्कीमेटिक डायग्राम। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सोलर टावर? सोलर टावर को कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टावर भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हजारों सन ट्रैकिंग मिरर्स, जिनको हम हीलियोस्टैट्स कहते हैं। हीलियोस्टैट्स क्या होते हैं? हीलियोस्टैट सोलर कलेक्टर्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड टाइप के, जो सन को ट्रैक करते हुए रेडिएशंस कलेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सोलर टावर में ऐसे हीलियोस्टैट्स हजारों की संख्या में यूज होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे ही सारे हीलियोस्टैट से कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट रिसीवर तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे इंटेंस हीट डेवलप होगी। तो वहाँ पे हीट एक्सचेंजर रहेगा जिसमें मोल्टन सॉल्ट एज अ फ्लूइड रहेगा, तो वो हीट होगा और ऐसे हीट का यूज करके इस टावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में हीलियोस्टैट रिफ्लेक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेट हुई सनलाइट रिसीवर पे, जो सेंट्रल टावर के सबसे ऊपर माउंटेड होता है, और फिर ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी हीट ट्रांसफर फ्लूइड, जो कि है मोल्टन सॉल्ट, और बाद में ये एनर्जी पास होगी एक तो थर्मल स्टोरेज पे या फिर पावर कन्वर्जन सिस्टम में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन, इसके कंपोनेंट्स होते हैं हीलियोस्टैट फील्ड, जो हजारों की तादाद में हीलियोस्टैट्स रहेंगे उसमें। सेकंड रहेगा रिसीवर, जो सेंट्रल टावर के टॉप मोस्ट पे प्लेस्ड है। थर्ड रहेगा हीट ट्रांसफर फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं मोल्टन सॉल्ट, और रहेगा स्टीम जनरेटर, और रहेगा कंडेंसर, और रहेगा टर्बाइन जनरेटर। तो देखते हैं वर्किंग। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही सन रेज हीलियोस्टैट्स पे इंसिडेंट हो रहे हैं, हीलियोस्टैट्स उनको कॉन्सेंट्रेट करके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिसीवर पे। रिसीवर पे वहाँ पे रहेगा हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे रहेगा हमारा हीट ट्रांसफर फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं मोल्टन सॉल्ट। तो जैसे ही हीट वहाँ पे जाएगी, मोल्टन सॉल्ट गर्म हो जाएगा। तो गर्म हुए मोल्टन सॉल्ट को यहाँ पे पाइप में से फ्लो करके एक तो थर्मल स्टोरेज पे हम सेट कर सकते हैं, या फिर सीधा पावर कन्वर्जन सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जहाँ से वो हीट ट्रांसफर फ्लूइड स्टीम जनरेटर को सप्लाई करती जाएगी, जहाँ पे स्टीम जनरेट होगी और एग्जॉस्ट हुई स्टीम कंडेंसर में जाएगी, जिसको कंडेंसर फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और जो स्टीम रेडी होगी वो स्टीम टर्बाइन जनरेटर को मिलेगी, जिसके टर्बाइन्स मूव होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इस तरह सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाएगी। और जो कंडेंसर से निकला हुआ कोल्ड मीडियम है वो फिर से कोल्ड टैंक में जाएगा, और कोल्ड टैंक का जो मीडियम है वो फिर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा, और फिर ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू करती रहेगी और पावर जनरेशन होता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस से कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।